अब ये प्रसंग आप 2 मिनट ध्यान से सुन लेना और थोड़े सावधानी पूर्वक सुनना। सावधानी पूर्वक इसलिए कह रहा हूं कि यहां आ गई फिर से वैतरणी नदी। वैतरणी नदी को कैसे पार किया जाए इसका उपाय यहीं पर बताया गया है। सावधानी पूर्वक सुने, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। तब उसके सामने नदी पार पहुंचाने वाला मल्लाह आकर कहते हैं, हे प्रेत, ये वैतरणी नदी है। कौन सी? ये वैतरणी नदी है, अर्थात वितरण। ध्यान से सुनो, वेतरण। वैतरणी का मतलब होगा वेतरण। वेदाद शास्त्र वेता मुनियों के कथानुसार दान करना, जिसके प्रभाव से यह वैतरणी नदी पार की जा सकती है। जो ये कोई कौन कह रहा है, जो वैतरणी नदी पर नाव लेकर मल्लाह पहुंचा वो मल्लाह कह रहा है। वो मल्लाह क्या कह रहा है कि वैतरणी नदी इसका नाम है, मतलब जो वितरण करना जानता है वही इस वैतरणी से पार हो सकता है। वितरण का मतलब है जो दान करना जानता है, जो कुछ मिला हो और समंदे को बैठ के खा जाए वो इस वैतरणी को पार नहीं कर सकता, उसे डूबना ही पड़ेगा। लेकिन जो कुछ मिला हो उसे वितरण करे, शेयर करे और वेद अनुसार, वेद कथन अनुसार दान पुण्य करे, वही इस वैतरणी नदी को पार कर सकता है। इसका नाम वैतरणी है। हम तुम्हें एक बार पहुंचा देने का, हम तुम्हें इसके पार पहुंचा देने को नाव लाए हैं। यदि तुम कुछ दान किए हो तो इस नाव में तुम बैठ जाओ, हम तुम्हें पार पहुंचा देंगे। तुमने कुछ दान किया हो तो बताओ, परंतु यह समझ लो यह नाव उसी को पार लगाती है जिसने गौदान किया हो। सावधानी पूर्वक समझे, सावधानी पूर्वक समझे इस बात को। ये नाव उन्हीं को पार लगाती है जिन्होंने अपने जीवन में गोदान किया हो, बिना यह किसी के, जिसने गोदान नहीं किया हो अपने जीवन में, यह नाव उसके पास जाती ही नहीं, जा ही नहीं पाती है उनके पास में। जो जीव गोदान करता है उसी को यह नाव पार लगा देती है। मल्लाह की बातें सुनकर प्रेत गोदान न करने के कारण रो उठता है, हाय हाय अब मैं कैसे पार होऊंगा, हाय हाय अब मुझे क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो कभी गोदान की ही नहीं। और ये होता है अधिकांश। यहां पर मैं आज ही एक ही बात समझा देता हूं, उसके बाद मैं कुछ और समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात बड़ी ईमानदारी से समझ लो, गौ की सेवा में बहुत कुछ छिपा है, तुम्हारे कल्याण का राज छिपा है, तुम्हारे कल्याण का राज छिपा है गौ दान में, गौ सेवा में। कैसे? लेकिन गौ दान भी कैसे करनी चाहिए वो तो हम फिर किसी दिन बताएंगे। अभी सुनो, स्वस्थ शरीर जब तक हो, स्वस्थ शरीर, कोई बीमारी नहीं, कोई आरी बीमारी, जवानी हो, चकाचक बढ़िया हो, तो एक गौ दान तुम्हारा कल्याण कर देगी। और बुढ़ापा आ जाए और बीमारी लग जाए और ये पता चलने लग जाए कि अब मरने वाले हो, तो वहां एक दान से दान नहीं होगा, एक गाय दान से कल्याण नहीं होगा, तो वहां 100 गौ दान करनी पड़ेंगी। और वो भी सबच्छा, बछड़े वाली गाय, दूध वाली गाय, बूढ़ी गाय नहीं चलेगी, जो पहलौन अथवा द्वितीय हो, जो एक बार या दो बार ब्याही हो, और वो भी बछड़े वाली गाय। तो एक तो बीमार, वो भी मरने के लिए तैयार, अब कहां से ढूंढे 100 गाय? जवाब दो, कहां से ढूंढेंगे 100 गाय, मिल पाएंगी? अच्छा जी, 100 गाय नहीं मिली और आत्मा गई गोविंदाय नमो नमः, अब एक गाय से काम चलेगा? नहीं। तो अब तुम्हारे वंशजों को 1000 गाय दान करनी चाहिए। कितनी कितनी? 1000 गाय जब वो दान करेंगे, वो भी सबत्सा, बछड़े वाली गाय, वो भी पहलौन अथवा द्वितीय, तब कहीं जाकर
उस मृत आत्मा को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह तरणी नदी वो ढंग से पार कर सके। अदरवाइज ऐसा जो नहीं कर पाता है उसको क्या भोगना पड़ता है, वैतरणी नदी में वो पार नहीं होता, वो डूबता है और डूबने के बाद यमराज के दूत फिर उड़ने वाले हो जाते हैं, उड़ने वाले हो जाते हैं और उड़ने वाले होकर क्या करते हैं, क्या करते हैं वो, तब पापात्मा मनुष्य जन्म पाकर कुछ दान नहीं करता है तो यमराज के दूत आकाशचारी होकर मछलियों को फंसाने वाला कुंडा उसके गले में डाल देते हैं। मछली जिस कांटे में फंसाई जाती है वो यमराज के दूत आकाश मार्गी हो गए, आकाश में उड़ते हैं और उसमें यहाँ गले में शरीर में वो कुंडा फंसा देते हैं और फिर उसे उस नदी में खींचते हैं। किसको, जिसने गऊ दान न की हो, जिसने गऊ की सेवा न की हो, जिसने गऊ का आदर न किया हो, ऐसे लोगों की ऐसी दुर्दशा वो करते हैं। माई डियर लिसनर्स, मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मैं आप लोग सारे जितने लोग कथा सुन रहे हैं क्या मुझे ही गऊ दान दे देंगे, क्या मैंने कभी किसी एक भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में है जो कह दे कि महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी को हमने गऊ दान दी और ब्राह्मण देवता ने गऊ दान लिए, एक व्यक्ति बता दे मुझे। गौशाला जो बन रही वो आपकी बन रही है, देवकीनंदन की नहीं बन रही, प्रिया कांजु की बन रही, उसमें मैं गऊ दान नहीं ले रहा हूं, आपसे लूंगा भी नहीं जब तक जीवन रहेगा, एक से भी गऊ दान नहीं लूंगा। आप अपनी तरफ से वहां गऊ रखिए, सेवा कीजिए, गऊ के लिए भूमि तैयार कीजिए, भूमि तो ले ली है इन्होंने, लेकिन हम तो मैं तो चाहता हूं कम से कम इतनी भूमि और ले ली जाए जो गऊ के लिए चारा भी उसी में हो। आप अगर चाहते अपने पितरों का कल्याण हो तो आपको गऊ की सेवा करनी चाहिए, आप अपने शहर में रहते हो जहां भी रहते हो वहां करो। मैं इसलिए तो नहीं बोल रहा ना कि मैं गऊ दान लूंगा आपसे, मैं इतना अच्छा ब्राह्मण नहीं हूं जो मैं गऊदान ले लूं, मुझे गऊदान लेना भी नहीं आता, मुझे तो ठाकुर जी ने जीवन दान दे रखा है यही पर्याप्त है। लेकिन आप समझ लीजिए ये 5.5-6 महीने की यात्रा बता दी, अभी यात्रा बाकी है पूरी और उसके बाद नरक बाकी है। आप सबसे एक आग्रह मैं करूंगा अपने पितरों के लिए, अपने लिए, अभी स्वस्थ हो तो अच्छे स्वस्थ ब्राह्मण को, वेदपाठी ब्राह्मण को स्वस्थ हो तो पहलौन एक गाय मिल जाएगी, बछड़ा वाली मिल जाएगी, उसको अपने हाथों से गौदान दे दो, गौदान की विधि उनसे समझ लो और उन्हीं को दो, जिससे वैतरणी में तुम्हारे कंठ में कुंदा न फंसे, खींचे न जाओ। और अगर अपने कोई भला काम करना है तो जो प्रिया कांत जी की गौ सेवा गौशाला बन रही है इसमें भी आप अपनी गौओं की सेवा के लिए, निर्माण के लिए अथवा और जो कोई आपके हृदय की भावना हो उसके लिए आप अपने पितरों के नाम से इसमें भी सेवा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर गौ की सेवा, वो भी वृंदावन में, वो भी प्रिया कांत जी की गौशाला आपके और आपके पितरों का कल्याण करने वाली होगी। आप अगर अपने शहर में भी कोई सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य